उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने हनी ट्रैप मामले को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। मंत्री पटवारी ने ये कहा कि बीजेपी सीबीआई मांग कर रहा है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। मंत्री पटवारी ने यह बात नरोत्तम मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कही। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों हनी ट्रैप के इर्द गिर्द ही घूम रही है। श्वेता जैन को युवा मोर्चा का पदाधिकारी बताने को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह को राजनीति का जोकर बताया, तो पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हनी ट्रैप कांड की सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि ऐसा लगता है जैसे इस मामले की स्क्रिप्ट सरकार ने ही बनाई है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति के जोकर हैं और कुछ भी ऐसा आरोप जिससे उनका नाम लाइम लाइट में रहे, जनता के बीच बचा नहीं, वो लगाते रहते हैं। ना हम हनी जानते हैं, ना हम ट्रैप जानते हैं। ये कानून अपना काम करे। इनको कैसे मालूम कि सरकार गिराने की कोशिशें हो रही हैं? उनको कैसे मालूम? ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्री जांच की स्क्रिप्ट भोपाल में तैयार कर रहे हैं, सरकार तैयार कर रही है। समाज को गंदा करने वाले कोई भी चेहरे अगर इनके पास हैं तो विजुअल फुटेज वो जनता के सामने आना चाहिए, जिससे ऐसे लोगों के चेहरे सामने आए और बेनकाब हों। मैं दूसरी मांग ये भी करता हूं कि इसके मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कल बयान सुना कि इसमें राज्य के बाहर के लोग संतृप्त हैं, तो इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। सीबीआई जांच करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राज्य के बाहर भी लोग होंगे तो वो भी इसमें आ जाएंगे। अगर नहीं करते हैं सीबीआई जांच की घोषणा तो हम ये मानेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार के लोग भी संलिप्त हैं। वहीं भाजपा नेताओं की सीबीआई जांच की मांग पर कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर जीतू पटवारी ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पहले ही सीबीआई जांच की मांग कर रही है, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। भारतीय जनता पार्टी हनी ट्रैप में जो दोषी लोग हैं उनको सजा दिलाना चाहती है या नहीं चाहती है? प्रथम जांच प्रथम पायदान पे है, कौन दोषी है, कौन अपराधी है, किस पे आरोप लगे हैं, ये क्लियर नहीं है। उससे पहले बीजेपी सीबीआई की बात करने लगी, चोर की दाढ़ी में तिनका। भारतीय जनता पार्टी सारे नेता, जांच तो इसकी सीबीआई से करानी चाहिए कि जिन लोगों ने इस घटना को करते हुए टेंडर और दबाव में दिए, लोगों को फायदा पहुंचाया, उनने कितना नुकसान खजाने का किया है, इसकी जांच होगी। जरूरत पड़ी तो सीबीआई से भी कराएंगे, चिंता नहीं करेंगे। कुल मिलाकर पिछले करीब एक सप्ताह से मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप कांड छाया हुआ है और अब भाजपा कांग्रेस नेता खुलकर आमने सामने हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।